होम लाइफ। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि अचार का सीजन चल रहा है, सोचते ही एकदम ऐसे करने का मन करता है। आई नो, सो अचार का सीजन चल रहा है। आई वुड लाइक टू टेल यू बीइंग अ मॉम दैट अचार हेल्दी भी होते हैं और अगर उनको ढंग से बनाया जाए तो वो सालों साल चलते भी हैं। सो यस, मैं आज अपनी मॉम की एक स्पेशल रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगी, लाइक माय मॉम इज मेकिंग अचार सिंस 40 इयर्स, मतलब 40 सालों से वो अचार बना रही है। और ऐसा नहीं है कि मेरी मॉम है इसीलिए मैं तारीफ कर रही हूँ, बट उनका अचार पूरे हमारी पूरी फैमिली में जाता है एंड आसपास जितने भी लोग रहते हैं सब मम्मी के हाथ का अचार ही खाना पसंद करते हैं। तो रफली वो इन शॉर्ट अचार के सीजन में करीब 150 से 200 किलो अचार बनाती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बांटती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो आज मैं लेके आई हूँ चने के अचार की रेसिपी, दैट इज चिकपी। कैन यू बिलीव चने का भी अचार बन सकता है? यस, और आप घर बैठे बना सकते हैं। ज्यादा मेहनत भी नहीं है कि कैरी को काटना है, कच्चे आम को काटना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और 2 दिन में आपका अचार बन के रेडी हो जाएगा। एंड आई गारंटी कि अचार साल भर तक खराब नहीं हुआ अगर आपने 1 by 1 सेम स्टेप्स फॉलो किए तो। सो देर किस बात की, मैं वो वीडियो शुरू करती हूँ, मम्मी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। बट बिफोर दैट प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मॉम लाइफ। मॉम लाइफ ने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं आप सबकी वजह से, थैंक यू सो मच। बट आपका लव एंड सपोर्ट मुझे आगे भी चाहिए सो दैट मेरा हार्डवर्क जो मैं आपके साथ हेल्दी और रियल लाइफ पेरेंटिंग टिप्स शेयर करती हूँ वो मैं आगे भी करती रहूँ। सो प्लीज अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो आगे अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। सो बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको चने का और कच्चे आम का अचार बनाना बता रही हूँ। उसके लिए हमें 2 किलो कच्चा आम, 2 कटोरी चना, नमक, दाना मेथी, सौंफ, पीली सरसों, कलौंजी, मिर्ची, हल्दी और सरसों का तेल और ये हींग, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कच्चे आम को पहले हमने उसको छील के कस लिया है, ये नीम का ये कसा हुआ है। चने को धो के धूप में सुखा लिया है, चने को धो के पानी से और धूप में सुखा लिया, उसका पानी एकदम सुखा लिया है। से पहले ही चना, हल्दी, नमक और कसा हुआ आम को में से एक साथ मिलाना है और एक साथ मिला के उसको 1 दिन के लिए रख देना है। इससे मिला के फिर हमें इसमें नमक डालना है, स्वाद अनुसार जितना नमक की जरूरत है उतना नमक डाल दीजिए। फिर इसमें हल्दी डालिए, फिर इसमें जो हींग डाला था सरसों के तेल में गरम करके हींग डाला है, फिर इसको मिक्स कर दिया। फिर इसको 1 दिन धूप में रख दो, नमक हल्दी डाल के 1 दिन के लिए धूप में रख देते हैं। धूप में जो इसका पानी रहता है वो सब पानी इसका जल जाता है, जो पानी छोड़ता है उसके अंदर चने फूल जाते हैं। फिर इसके अंदर ये सारे मसाले मिला दिए जाते हैं, मिर्ची, दाना मेथी, सौंफ को भून के, उसका पाउडर बना के और कलौंजी और पीली सरसों, मिर्ची, इन सबको इसमें सबको मिक्स करके एक साथ इसमें डाल दिया। फिर इसमें सरसों का तेल डाल दें, तेल हमेशा नमक और तेल हमेशा थोड़ा ज्यादा डाला जाता है, उससे ना अचार खराब नहीं होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सब मसाले डाल के इसको मिक्स कर देते हैं बढ़िया से।
अब इसमें लग रहा है कि अपने को तेल कम है तो इसमें फिर तेल और डालो, क्योंकि तेल ऊपर तक रहना चाहिए तो अचार ख़राब नहीं होता, और चने फूलने के लिए भी तेल की ज़रूरत पड़ती है। अब इस अचार को ना और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक एक घंटे का इसमें धूप दिखाते हैं। अभी चने फूल जाएंगे इसी में और ये अचार इसी में मिक्स हो जाएगा, अचार बनके तैयार। ये अचार दो दिन धूप में रखा था जो बनके तैयार हो गया। अब हम इसको बर्नी में डाल के रख देंगे। अब ये इसमें बर्नी में डाल के रखने के बाद में इसमें ऊपर में तेल डाल दीजिए। ये साल अचार साल भर तक खराब नहीं होगा। यह अचार मैंने भर दिया है, इसको इसके ऊपर दबा के इसका तेल ऊपर कर दीजिए। तेल अचार में तेल रहेगा तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब ये अचार साल भर तक रह सकता है। और इस बार बिकॉज लॉकडाउन की वजह से मुझे ये अचार खाने को नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं एटलीस्ट आप सबके साथ शेयर करूं। तो जैसे मैं इस बार घर में बनाने का ट्राई कर रही हूं फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, आई थॉट आप सब भी ट्राई करें घर में बनाने का। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें अपने कमेंट्स, कैसा लगा, आपने बनाया क्या। बहुत ही सिंपल रेसिपी है बट बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। बच्चों को खिलाएं, चना वैसे भी बहुत हेल्दी होता है तो जरूर खिलाएं बच्चों को। आप रोटी के साथ खिला सकते हैं, राइस के साथ खिला सकते हैं, एज अ सब्जी इसको आप खा सकते हैं अगर आपके पास कोई और सब्जी अवेलेबल नहीं है। बैचलर्स के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपके पास है तो एटलीस्ट आप वीक में एटलीस्ट 4-5 बार तो आप इसको एज अ सब्जी खा सकते हैं। सो डू ट्राई एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ डिड यू फाइंड इट।